नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सेठ लीगल ईगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अभी भी 498A एक खौफ की राजनीति के अंदर फंसा हुआ है। पुलिस इसका बेजा इस्तेमाल करती है, अभी भी खुलेआम जैसे मन चाहती है वैसा किसी के साथ टॉर्चर करती है। 41A का नोटिस देती है तो देती है, नहीं देती। यानी कुल मिलाकर आज भी किसी पे 498A की FIR अगर दर्ज हो जाती है तो वो बेचारा ये सोचता है कहां जाऊं, कहां छिपूं, किससे मिलूं, किससे बताऊं। यहां तक कि इसके अंदर कोई प्रोटेक्शन वाला सिस्टम है ही नहीं। इस पर अब इस भयावह स्थिति पर जब ये मैटर पहुंच चुका है, जब अक्सर दहेज नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ इसके अंदर पति और ससुराल वालों को एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर हस्तक्षेप किया और बहुत बेहतरीन तरीके से इस बात को बकायदा समाज के सामने लाने की कोशिश की अपनी गाइडलाइंस के लिए, जिसके अंदर अर्णेश कुमार की गाइडलाइंस का वायलेशन जो खुलेआम कोर्ट्स और पुलिस मिलकर कर रही है, लोअर कोर्ट्स स्पेशली, उसके अंदर बकायदा सीधी सीधी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट। ये सबसे जरूरी बात आज आपको समझनी होगी, क्योंकि आप केस में फंसे हैं। अभी फंसा ही नहीं है क्योंकि झूठा केस है, अगर आप पर झूठा केस लगा है। साथ में अगर आप इस वक्त किसी कोर्ट के अंदर अपनी कार्रवाइयों में फंसे हुए हैं और लगातार केस चल रहा है, तो भी ये सबके लिए लाभ है। इसीलिए दोस्तों हम एजुकेटेड करने के लिए कुछ कोर्सेज चला रहे हैं, और ये कोर्सेज जो होते हैं ये लीगल रेमेडीज को आप तक पहुंचाने का जरिया है। अक्सर आपको वो नहीं बताया जाता है जो एक्चुअली आपके पास होना चाहिए इन केसेस से बाहर आने के लिए। वीडियोस की अपनी लिमिटेशंस होती हैं जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं दे सकती, पर वहां पर हम लोग पर्सनली अपनी टीम के साथ आपको सपोर्ट करते हैं और आपको जल्दी जल्दी इन केसेस से बाहर आने के नजरिए और तरीके बताते हैं। आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है या फिर जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, वो लोग काफी कॉन्फिडेंट हैं। काफी लोग अपने केसेस में या तो बाहर आ चुके हैं या आने वाले हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो लोग कॉन्फिडेंट हैं कि अब उनके पक्ष में कुछ होना है जो होगा। आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस पर मैसेज कीजिए और डिटेल लीजिए। अब एक नई कड़ी हमने जोड़ दी है, जो लोग अपने ही लेवल पर तैयारी करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि ज्यादा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, बस टेंटेटिव उन्हें तैयारी का हिसाब किताब पता लग जाए, तो ऐसी सूरत में हमने क्रैश कोर्सेज चलाए हैं जो कि आप अपनी सिर्फ तैयारी में कर सकते हैं। नॉलेज लगभग वही रहेगी जो आप आमतौर पर देते हैं, और इसका फायदा आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। अगर आपको क्रैश कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डालिए और फिर उसके बाद डिटेल लेके ज्वाइन कर लीजिए। आप किसी कानूनी समस्या में हैं, आप समाधान चाहते हैं, आपको लगता है मैं उपयुक्त व्यक्ति हूँ इस समाधान के लिए, तो फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डालिए, अपॉइंटमेंट बुक कराइए। बुकिंग के बाद आपके पास मेरा कॉल आएगा दिए हुए टाइम। सुप्रीम कोर्ट, हर बात का समाधान सुप्रीम कोर्ट पर ही जाकर क्यों सॉल्व होता है? क्यों ऐसा नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट के बिना भी कोर्ट्स अपने तरीके से इन चीजों को हैंडल करें? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में गाइडलाइंस के थ्रू कहा, और यहां तक कि जितने भी डीजीपीज वगैरह हैं स्टेट्स गवर्नमेंट के, उन लोगों को बकायदा कुछ ही हफ्तों के अंदर ये तय करने के लिए कहा कि आपकी पुलिस इन गाइडलाइंस को फॉलो क्यों नहीं कर रही है, और अगर फॉलो नहीं कर रही है तो उनके खिलाफ एक्शन लेने की एक प्लानिंग बनाकर रिपोर्ट सबमिट कीजिए। जी हाँ, अब आपके खिलाफ अगर ऐसा कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए अब प्रोटेक्शन दे रहा है। इससे पहले भी हुआ है तो भी उसका फायदा आप ले सकते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि अर्णेश कुमार के पहले जो 498A बनाया गया था और अर्णेश कुमार की भी जो गाइडलाइंस थी, उनका पूरा पूरा काम औरतों का सम्मान और उनके ऊपर होने वाली क्रूरताओं को उनसे बचाने के लिए है। यानी कि जो ससुराल वाले और पति पक्ष उनके ऊपर क्रूरता करते हैं उसका फायदा औरतों को मिले कि उनपे क्रूरता ना की जाए। पर अब यहां पर एक नया ही फलसफा निकल के आ रहा है, यहां नई तरीके निकल के आ रहे हैं कि औरतें इस बात के अंदर एक्सटॉर्शन का साधन इसे बना रही हैं, और इसके अंदर काफी हद तक इन्वॉल्वमेंट है जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनकी निग्लिजेंस की, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्योंकि जो पुलिस जिस तरह से इसमें कार्रवाई कर रही है झूठे केसेस में, और जिस तरह से हमारे पास लगातार केसेस सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के पास लगातार ये केसेस आ रहे हैं, उससे बात बहुत क्लियरली समझ में आती है कि पुलिस इसके अंदर मनमाना तरीका अपनाती है, लापरवाहीपूर्ण तरीके से इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, और किसी भी तरह से बस उनको झूठा केस बनाकर डालना होता है उन महिलाओं के पक्ष में जो कि असल में पीड़ित नहीं है, पीड़ित होने का सिर्फ बहाना करके केस चलाना चाहती है अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ। इसके लिए बकायदा
जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनको भी इस तरह से उपेक्षा करना, यानी कि इस तरह की निग्लिजेंस करना कि कानून क्या कहता है और आप किस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस पर भी गाइडलाइन जारी की गई है। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ूं, इसमें और डिटेल्स में जाऊं, पहले आपको समझा दूं कि इसका फायदा आप कैसे ले सकते हैं। मान लीजिए आप किसी पुलिस के मैटर में फंसे हैं, पुलिस ने आपको 41A का नोटिस नहीं दिया, या कई बार होता है कि 41B का भी नोटिस जो आपको जारी करती है उसके अंदर भी खिलवाड़ करती है। वो क्या होता है, वो डायरेक्ट गिरफ्तारी का सिस्टम होता है। जब लगता है कि 41A के कंप्लायंसेस हमें नहीं करवाने, डायरेक्ट गिरफ्तार कर रहे हैं, तो इसको भी यूज कर लेती है। इसके अंदर ये सारी समस्याएं जो है अगर आपके साथ आती है तो अर्णेश कुमार की गाइडलाइंस को आपको पढ़ना चाहिए। अर्णेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो 2014 का जजमेंट है, इसको आप कहीं भी सर्च आउट कीजिए, इजीली अवेलेबल है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। इसमें क्लियर है कि अगर पुलिस आपके साथ जाती कर रही है, गलत कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, तो आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरीके से इसके लिए प्रोविजन है, यहाँ तक कि कोर्ट भी निर्धारित किया हुआ है। अर्णेश कुमार के अंदर आपको गलत तरीके से सूचना देके बुलाना भी एक अपने आप में अपराध है, जैसे कॉल करना या फिर पुलिस वाले को भेजकर आपको बुलाना, ये दोनों अपराध है। जब तक आपको 41A का नोटिस नहीं दिया गया है तब तक सब कुछ अपराध है। अर्णेश कुमार इसी बात पे लड़ा गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके अंदर कंप्लाइंसेस पुलिस को फॉलो करने के लिए कहा गया है, पर अब तक क्या था कि इसके अंदर कोर्ट जो इस तरह की अवॉइडेंस करते थे कि पुलिस कुछ भी मनगढ़ंत बना के केस बना के ले आती थी, किसी भी तरह की जांच बना कर लेकर और ले जाके कोर्ट में लगा देती थी, तो यहाँ पर कोर्ट भी कई लापरवाही पूर्ण तरीके से इन केसेस को लेकर और मान लेते थे कि हाँ साहब केस चला है। तो अगर यहाँ पर कोर्ट्स भी किसी तरह की लापरवाही कर रहे हैं, चाहे आपका 3 साल पुराना केस हो, 4 साल पुराना केस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस जजमेंट को वहां यूज कर सकते हैं। मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि असल में यहां पर उन पीड़ित परिवारों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की है जो कि असल में किसी भी तरह के दहेज के मुकदमे के लायक ही नहीं है, काबिल ही नहीं है, पर उन पर जबरदस्ती मुकदमा चलाया जा रहा है। आप यहां पर हर तरह की जांच की दोबारा डिमांड कर सकते हैं, यहां पर कानून का जो दुरुपयोग आपके केस में हो रहा है उस पर कोर्ट की तवज्जो मांग सकते हैं और कोर्ट से कह सकते हैं कि इसकी पालना करना बहुत जरूरी है। देखिए इसके लिए मैं इतना नहीं कहूंगा कि मेरा वीडियो काफी है, बल्कि सीमित है। मैं ये कहूंगा कि जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाते हैं और मेरा ये जजमेंट निकालते हैं तो उसको खुद पढ़िए और डिटेल में पढ़िए, क्योंकि आपको मैं पहले ही सूचित कर देता हूं, हमारे द्वारा एक समरी फॉर्म में ये वीडियो बनाया जाता है। इसके अंदर हमेशा रिलाय करने वाली बात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि काफी चीजें हम कवर नहीं कर पा रहे होते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा आपसे निवेदन है, जरूर जजमेंट पढ़िएगा आज इस वीडियो का और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। और पता नहीं क्यों अब तक मैंने देखा नहीं कि इसके ऊपर किसी ने वीडियो बनाने की कोशिश क्यों नहीं की और क्यों नहीं चाहते। मैं ये कहूंगा कि आपको यहां पर अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है 490 डे के अंदर, तो इस जजमेंट से रिलेटेड एक बार सलाह हमसे जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो पेंच है वो बहुत बेहतरीन है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझाए गए हैं, जिससे कि क्लियर आउट हो सके चीजें। और आने वाले टाइम पे हो सकता है कि इस तरह की रिपोर्ट बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर गाइडलाइन जारी करे, क्योंकि अब ये बात छिपी भी नहीं है और दबी भी नहीं है कि झूठे केसेस से मिसयूज किया जा रहा है इस लॉ का, और इस लॉ के मिसयूज में पुलिस और कोर्ट की लापरवाही पूरी तरह से इन्वॉल्व है। मैं हर कोर्ट और हर जज की बात नहीं कर रहा, हर पुलिस वाले की बात नहीं कर रहा, बेहतरीन जजमेंट्स भी आए हैं, बेहतरीन पेशकश भी पुलिस ने अपने रिपोर्ट्स में, अपने फाइनल रिपोर्ट्स में पेश किया और कई बार पतियों को इस तरह के झूठे केसेस से बचाया भी है। पर अधिकतम अगर प्रायोरिटी इसी बात की कि झूठे केसेस में फंसाया जाए, तो फिर ये बात सवाल खड़ा करती है कि ऐसा क्यों वो लोग लापरवाही भी कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो इन भारत के नागरिकों के साथ जो कि असल में दोषी नहीं है। देखिए दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइएगा कि आप इस जजमेंट का फायदा कितना लेना चाह रहे हैं अपने झूठे 490 डे के केस में, क्योंकि इसका फायदा जरूर मिलेगा। इन गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करवाइएगा अपने कोर्ट से भी, और अगर आप जांच के दायरे में हैं तो अपनी पुलिस से भी, पर अर्णेश कुमार को पढ़ने के साथ ही ये जजमेंट आपको समझ में आए। थैंक यू।